सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। बिहार में भीड़ तंत्र के द्वारा कानून को अपने हाथों में लेकर मानवाधिकार का हनन करते हुए अजीबोगरीब न्याय दिया जाता है। इतना ही नहीं, भीड़ तंत्र के लोग इस अजीबोगरीब न्याय का वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं, जिससे कि न्याय पाने वाले व्यक्ति का खुलेआम मानवाधिकार हनन होता है। ताजा मामला बिहार के समस्तीपुर जिले से सामने आ रही है, जहां भीड़ तंत्र ने एक अजीबोगरीब तालिबानी न्याय दिया है। समस्तीपुर के विथान थाना क्षेत्र के सोहमा गांव में एक प्रेमी युगल को ग्रामीणों ने पकड़कर पेड़ में बांध दिया और तालिबानी सजा दी है, जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। हालांकि जनादेश न्यूज नेटवर्क इस वीडियो के सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। ग्रामीण सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि सोहमा गांव की एक शादीशुदा महिला अपने प्रेमी युवक के साथ भाग रही थी। विवाहिता अपने प्रेमी के साथ बाइक से घर से निकले थे और इसकी भनक उनके परिवार वालों को लगी तो परिवार वालों खोजबीन शुरू कर दिया। इसी क्रम में जगमोहन पेट्रोल पंप के पास दोनों को पकड़ा गया। उसके बाद दोनों को सोहमा गांव लाया गया और बेरहम भीड़ ने अजीबोगरीब इंसाफ दिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी प्रेमी को एक पेड़ में बांधकर उसके सर का मुंडन कर दिया और फिर कालिख और चूने उसके सर में पोत दिया। ग्रामीण सूत्रों के अनुसार लड़की की शादी 2 वर्ष पूर्व हुई है और इसके पूर्व भी लड़की एवं उसके प्रेमी को लेकर पंचायत हुई थी। इधर घटना के संदर्भ में पूछे जाने पर विधान पुलिस ने इस तरह के मामले से अनभिज्ञता जाहिर की है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक महिला को पकड़कर रखने वाले एक युवक का बाल काटते हुए देखा जा रहा है और इस वीडियो में कुछ महिलाएं और पुरुष तमाशबीन बनी हुई है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।